हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको APTT कैम 7 से APTT लगाना सिखाऊंगा। सबसे पहले हम APTT को सिलेक्ट कर लेंगे, डबल क्लिक करेंगे। ये आपका APTT खुल गया है स्क्रीन पे। अब इसको अपन रीड करेंगे। इसमें लिखा है रिमूव फ्लो सेल सबसे पहले एंड पुट द ट्यूब होल्डर। सबसे पहले फ्लो सेल को रिमूव कर देंगे, इस टाइप से निकालेंगे। और इसकी एक अलग से आती है होल्डर, इसका होल्डर, और इसमें एक टेस्ट ट्यूब रहती है। इसको अच्छे से लगा के टेस्ट ट्यूब लगा देंगे। इसकी ये ट्यूब है। सर्वप्रथम हम लिक्यूसलीन ई 100 माइक्रोलीटर लेंगे। अच्छे से इसको मेजर करेंगे 100 माइक्रोलीटर। ये 100 माइक्रोलीटर लिक्यूसलीन ई ले लिया है। इसको टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। इसके बाद इनक्यूब कर देंगे। इनक्यूबेशन स्टार्ट हो गया 5 सेकंड का। क्यूब हो गया। अब हम अपनी जो PT की वायल है सोडियम सिट्रेट की, उसमें 100 माइक्रोलीटर प्लाज्मा ले लेंगे अपन। ये अपन ने 100 माइक्रोलीटर प्लाज्मा मेजर कर लिया है और इसको भी डाल देंगे। अगर हम स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो ये बोला इनक्यूब करने के लिए। इनक्यूब कर देंगे। इनक्यूबेशन टाइम 180 सेकंड का स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद हम उसका नेक्स्ट, इसका इनक्यूबेशन टाइम कंप्लीट हो गया है। इसके बाद ऐड सेकंड रिएजेंट। इसमें अब सेकंड जो है ना रिएजेंट डालेंगे। जो सेकंड रिएजेंट अपना कैल्शियम क्लोराइड है, इसको भी 100 माइक्रोलीटर मेजर कर लेंगे और फिर टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। ये इमीडिएटली डाल के इधर देखो, इसको डालते हुए और स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। अभी ये अपनी रीडिंग शो कर रहा है एनालाइजर। अपने कैम 7 एनालाइजर ने रिजल्ट शो कर दिया है। 50.5 आया है इसका APTT। ये देखो इसका शो हो गया पूरा। इस तरीके से अपन APTT लगाते हैं। पूरी प्रोसेस ये लिखी है इसके सामने। इसकी पूरी प्रोसेस ये है, कम्प्लीटली प्रोसेस।